मध्य प्रदेश में सियासत बदलते और कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही भाजपाइयों में खुशी की लहर देखने में आ रही है। नगर धर्मपुरी में भी कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल ताशे और आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दो सप्ताह से चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इन्हीं की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता सैयद जफर अली ने धर्मपुरी भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र महाजन और धर्मपुरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शब्बीर पहलवान से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। पिछले 15 माह पूर्व प्रदेश में किसानों को ऋण मुक्ति का झूठा प्रलोभन देकर, कर्मचारियों के साथ झूठे वायदे कर और प्रदेश की जनता को जातिवाद में उलझाकर कांग्रेस की सरकार अल्पमत में रहते हुए भी सरकार में आई। इन 15 महीनों में कमलनाथ सरकार ने जन कल्याणकारी सारी योजनाओं को बंद कर दिया। किसानों को ऋण मुक्ति भी नहीं हुई। भावांतरण, तीर्थ दर्शन, यहाँ तक कि गरीबों के इलाज के लिए मिलने वाली योजनाएं भी बंद कर दी। पूरा प्रदेश आज आर्थिक रूप से जर्जर स्थिति में आया। गांव गरीब किसान का कोई भला नहीं कर पाई ये सरकार। और आज कांग्रेस अपने ही अंतर कलों से और इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं सरकार के इन्हीं मुद्दों पर विफल रहते हुए अपने ही अंतर कलह से, अपने ही लोगों के द्वारा नाराज होकर के सरकार अपने आप गिर गई और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री कौन? ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, पुनः इस प्रदेश को विकास की नई राह देगा। 15 वर्षों में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश ने जो तरक्की की थी, पुनः उसी दिशा में इस प्रदेश को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस के नेता अब भी दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव होने पर कांग्रेस का बहुमत होगा, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पिछले 10 दिनों से ये झूठा दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत में हैं, हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब सब कुछ, सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। निश्चित रूप से राजनीतिक दल है, उनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ये उनकी अपनी मजबूरी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीतेगी और पुनः इस प्रदेश का नेतृत्व करेगी। पूरे हिंदुस्तान में देखा है, आज जो हुआ है मध्य प्रदेश के लोगों ने भी देखा है, किसानों ने देखा, जनता ने भी देखा। कांग्रेस के जो विधायक रहते हैं, किसी कोई भी पार्टी के हो, उनको 5 साल का लिए चुनते हैं। पर हमारे कुछ नेता ऐसे थे, सिंधिया जी, जो उनकी मंशा थी कि उनकी दादी ने जो करा, आज से 40 साल पहले कांग्रेस सरकार गिरा के उन्होंने एक मोर्चा बना के मुख्यमंत्री बदल दिया था। इसे सिंधिया जी ने, उनके कहने 22 विधायक थे, मंत्री 6 मंत्री थे और 22 ऐसा सब मिला के 22 विधायक थे, वो बेंगलोर ले जाके उनको एक बीजेपी के मुख्यमंत्री के होटल में ले आके उनको रखा। और कांग्रेस के कई लोगों ने, नेताओं ने कोशिश करी मिलने की, मिलने नहीं दिया। कार्यक्रम में 25,000 मिलते थे, वो 51,000 रूपये कर दिए। किसानों का 50,000 से 1 लाख तक के कर्जा माफ कर दिया, अब 2 लाख का बचा था। और कुछ हमारे कांग्रेसी, हमारे जो पहले नेता थे सिंधिया जी, वो कांग्रेस में उनने बगावत करी और 22 आदमी को यहाँ से ले गए विधायक को। और कर्नाटक में बीजेपी को शुरुआत लगा दिया, बीजेपी सरकार थी। और आज वो नतीजा पूरे हिंदुस्तान ने और मध्य प्रदेश में देखा है। आने वाला टाइम जो आएगा, फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, सिंधिया जी की बीजेपी ज्वाइन करने और कांग्रेस छोड़ने के पीछे कोई खास वजह? अरे, उनकी तो मंशा थी, उनकी दादी ने भी कांग्रेस छोड़ी आज से 40 साल पहले, 30-35 विधायक लेके उन्होंने सरकार बना ली थी कांग्रेस छोड़ के। और इन्होंने, सिंधिया जी ने भी 22 विधायक लेके बीजेपी को समर्थन दे दिया और कांग्रेस की सरकार गिरा दी।